कहानी ला रही हूँ। इस जन्म में ले आओगी? पिछले एक घंटे से दिख रही हूँ मैं। उठकर ले नहीं सकती तू? तेरे सुंदर सुंदर नहीं वो क्या कहते हैं, हाँ हसीन हसीन पांव चार कदम चल नहीं सकते, मैले हो जाएंगे सारे। हाँ हो जाएंगे मैले, तुम्हें उसे क्या नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पानी और तुम्हारा कुछ भी। ये हवाला है उस चिट्ठी का जो विनीत ने लिखा था लगभग एक साल पहले, जब अभिषेक ऊटी से आया लगभग उसी समय। बहुत दिनों बाद मिले थे इसलिए मैं अभिषेक के साथ काफी घूम रही थी। उस दिन जब मैं लंबी राइड के बाद घर लौटी तो विनीत का वो चमचा बाहर ही खड़ा था। विनीत भाई ने दिया, अकेले में पढ़ना। क्यों? आपन तो मालूम नहीं, बोला लाइफ का फर्स्ट लव लेटर है, बोलने को गलती होने से माइंड नहीं करने का, लेकिन उसका प्रेम बिल्कुल सच्चा है बोला। मैं नहीं लेती यार, इसे वापस ले जाओ और कहना नहीं। इससे क्या कहना, कल कॉलेज में विनीत को ही वापस कर दूंगी मैं। और मैं चिट्ठी लेकर आगे बढ़ गई। ये मुझे कहां पता था, मम्मी टेरेस पर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। मम्मी की आंखें दूर से पीछा करते हुए मेरे कमरे तक आई और मेरे हाथ में दबी चिट्ठी के साथ भीतर प्रवेश कर गई। बच्ची तेरे हाथ में क्या है, जरा इधर तो लाना। हाँ अभी आती हूँ। मैं अभी तय कर पाती करना क्या है, तब तक मम्मी धमक चुकी थी। उसने खींच कर मेरे हाथ से चिट्ठी ले ली और विजयी भाव से मेरी तरफ देखा। पल भर में सब कुछ कैसे बदल गया। एक शिकार अचानक मानो शिकारी में बदल गया। जिस चिट्ठी को लेने से मुझे सख्त ऐतराज था उसका बचाव मुझे उतना ही जरूरी लगने लग गया जितना खुद का अपना बचाव। मैंने मम्मी से खूब झगड़ा किया। ये मेरा पर्सनल मामला है मम्मी, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा प्रश्न कर, तू किसी से मुंह काला करवा कर आना और उसे ही प्रश्न बना कर दा। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। आपके पांव देखें, इसे जमीन पर मत। घिन आती है मुझे इन संवादों से, अपनी मम्मी की प्रतिक्रियाओं से और शायद अपने आप से भी। शाम को पापा आए तब जाकर कुछ राहत मिली। जो बात मम्मी को दुनिया के अंत की सूचना लग रही थी पापा को उतनी ही साधारण जितनी कि वह सचमुच थी। मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पापा ने वो सारी बातें जान ली जिन्हें बताने के लिए मैं कब से बेचैन चल रही थी और जिन्हें एक बार कह देने भर से मन पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन आज आज पापा को भी क्या हो गया, सुबह से उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिली है। मम्मी ने मुझे बताया, सुबह सुबह मुझे बिस्तर से उठाकर बताया कि वही हुआ जिनका उन्हें डर था। आखिरकार मैंने उनकी नाक कटवा ही दी। अखबार छोड़ गई है ये पढ़ने के लिए, नाक कटी तो कैसे। आपन का नाम अर्पिसर, आपन सर्वोदय में दसवीं क्लास में पढ़ता। मैंने काली को बताया कि अभी शेख का मर्डर आपन ने किया, जो सच है। वह साला अपने आप को तोप समझता था, बार बार मना करने पड़ेगी, लतीका को लैन देता ही रहा। आपन ने दादा से बोला, दादा वो लड़की अच्छी नहीं है, एक साथ दो दो को घुमाती है, और पुल्लू दादा तो दीवाना है उसका। अब मैं क्या करूं, परसों दोपहर में दादा ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, ए पितू पितू लतीका नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तू चाहे मुझे मार डाल या अभिषेक को खत्म कर।
मैंने दादा से बोला एक पिस्तौल का बंदोबस्त कर, मैं उसे खत्म कर दूंगा। दादा ने बोला कहा करेगा, मैंने कहा जहां जी में आएगा वही मारूंगा उसे, इसमें इतना सोचने का क्या है। दादा ने बोला बेवकूफ, मर्डर करनी है, कोई चने नहीं फांकना है, मैं तुझे एक अच्छा जगह बताता हूं। फिर दादा ने जो जगह बताया मैंने वही पे मारा उसे। फिर एक रोज उसे चिट्ठी दी जाती, मैं खुद उसे देकर आता हूं। पहले तो नखरे करती है, फिर रख लेती है, और बाद में चिट्ठी वापस कर दी जाती है दादा को। दादा को।